गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय फिटनेस चैनल रोड टू फिट। आई एम सुनंदा सिंह एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है थैंक यू सो मच। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को मेरे टाइटल से ही पता लग गया है कि आज मैं आप लोगों के साथ में अपनी डाइट प्लान शेयर करने वाली हूँ। सो सुबह से लेकर रात तक मैं जो भी चीज़ें खाती हूँ, जो भी चीज़ें पीती हूँ, वो सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ आज। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो रोज सुबह उठकर सबसे पहले मैं अपना वेट चेक करती हूँ, जिससे अगर मेरे वेट में थोड़े भी वेरिएशन आए हैं तो मैं उसे अपनी डाइट और वर्कआउट से कम कर लेती हूँ। इसलिए रेगुलरली वेट मॉनिटर करना मैं ज़रूरी समझती हूँ। उसके बाद मैं लेने लग गई हूँ अपना मॉर्निंग ड्रिंक, जिसके लिए मैंने एक ग्लास में गर्म पानी लिया है। एंड गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एप्पल साइडर विनेगर लिया है जो कि विद मदर है। तो उसमें मैं डाल रही हूँ 1 स्पून एप्पल साइडर विनेगर एंड 1 स्मॉल स्पून ऑफ सिनेमन पाउडर। एंड उसको अच्छे तरीके से मिलाने के बाद मैं लेने लग गई हूँ यहाँ पे अपना मॉर्निंग ड्रिंक। गाइस, इस ड्रिंक को आपको स्लोली स्लोली सिप लेते हुए इंजॉय करते हुए फिनिश करना है। गाइस, अब टाइम हो गया है ब्रेकफास्ट का। तो यहाँ पे मैंने लिया है कैप्सिकम, क्रश्ड कैरेट, फाइनली चॉप्ड अनियन, टोमेटो एंड ग्रीन चिली। एंड आज हम बनाने वाले हैं बेसन का चीला। तो इसके लिए हम एक बोल में बेसन ले चुके हैं एंड सारे वेजिटेबल्स को इसके अंदर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है 1 स्पून चाट मसाला, 1 स्पून रॉक सॉल्ट पाउडर एंड थोड़ा सा पानी एंड थोड़ा सा हींग। एंड इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। यहाँ पर जो हमारा बैटर है अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है एंड आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं गाइस। अब हम गरम तवे पे थोड़ा सा ऑयल डालकर इस बेसन के बैटर को स्प्रेड कर लेंगे अच्छे तरीके से एंड 2 से 3 मिनट तक एक साइड से पकने देंगे इसको। अब हम इसको फ्लिप करके दूसरी तरफ से पकने देंगे। इसके रेडी होने के बाद आप इसे किसी भी होममेड चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। मिड डे मील में मैं ले रही हूँ ग्रीन टी एंड एप्पल। आप कोई भी सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं। लंच में यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 मल्टीग्रेन चपाती, मिक्स वेजिटेबल, कोरिएंडर लीव्स की चटनी एंड योगर्ट। योगर्ट में प्रोबायोटिक्स होते हैं गाइस, जो कि फैट लॉस में हेल्प करता है। एंड उसके साथ ही मैं ले रही हूँ खूब सारा सैलेड। इवनिंग स्नैक्स में आप ले सकते हैं ग्रीन टी एंड 1 हैंडफुल ऑफ मखा। इवनिंग में मैं करती हूँ 6 to 7 वर्कआउट। आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, आप रनिंग या जॉगिंग कर सकते हैं, या किसी भी तरीके का वर्कआउट को ज़रूर इंक्लूड करिए, जिससे कि आपको वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप ये वाली डाइट प्लान के साथ में इसे फॉलो करते हैं। तो डिनर के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 रफली चॉप टोमेटो, अनियन एंड 1 बोल ऑफ ग्रीन ग्राम। एंड मैं बना रही हूँ हरे मूंग की दाल, जिसके लिए मैंने यहाँ पे मूंग ले लिया है, मूंग का दाल ऑलरेडी ले लिया है, टोमेटो को भी डाल लिया है एंड अनियन को भी डाल लिया है। एंड इसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 बोल ऑफ वाटर। यहाँ पर मैंने डाला है 1/2 स्पून रॉक सॉल्ट पाउडर एंड 1/2 स्पून टर्मरिक पाउडर। गाइस, ग्रीन ग्राम एक बहुत ही अच्छा सोर्स है फैट लॉस के लिए। एंड इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा अनियन, कटे हुए चॉप्ड अनियन एंड थोड़े से गार्लिक। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ी सी ग्रीन चिली। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे स्क्वीज कर रही हूँ थोड़ा सा लेमन। एंड इसके बाद जो इसका टेस्ट है गाइस, ये तो आपको ट्राई करके ही पता करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड बिफोर आई एंड दिस वीडियो आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइज, ये जो डाइट प्लान मैंने आपको बताई है एटलीस्ट आपको 1 मंथ के लिए फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आपको बेटर रिजल्ट दिखेंगे अपनी बॉडी में। एंड आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जो भी मेरे डाइट प्लान में फ्लक्चुएशन है, मैं सारी चीजों को आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी। एंड इसी के साथ ही आई एम साइनिंग ऑफ टूडे। तब तक के लिए बाय गाइज।